हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा किस तरीके से आप फेसबुक पेज डिलीट कैसे करें। हाउ टू डिलीट फेसबुक पेज कैसे डिलीट करें 2024 में। तो पेज को डिलीट करने के लिए आप सबसे पहले फेसबुक के ऑफिशियल ऐप को ओपन करना है। या फेसबुक की ऑफिशियल ऐप को ओपन करते हो कुछ तरह का इंटरफेस आता है। फेसबुक पेज को 2024 में परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको टॉप पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन होता है, आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। ऐसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक पेज पे स्विच कर लेना है। स्विच करने के लिए आपको टॉप पे डाउन एरो वाला ऑप्शन होता है, आपको इस डाउन एरो पे क्लिक करना है। ऐसे आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपका फेसबुक पेज नेम शो कर जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक पेज का नाम है सॉल्यूशन जवाब। मैं आपको इसी पेज को डिलीट करके दिखाऊंगा। तो पेज को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके फेसबुक पेज नेम पे क्लिक करना है। ऐसे आप नेम पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा पेज पे। फेसबुक पेज को 2024 में परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको टॉप पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन होता है, आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जिसे आप थ्री लाइन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए आप नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इसे आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी अकाउंट। फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको नीचे तरफ आ जाना है। एकदम नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है योर इन्फॉर्मेशन, इसके नीचे एक ऑप्शन होता है एसेस एंड कंट्रोल, तो आपको एसेस एंड कंट्रोल पे क्लिक करना है। जिसे आप एसेस एंड कंट्रोल पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एसेस एंड कंट्रोल डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपको क्या करना है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्लिक करना है। इसे आप डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक पेज। फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे तरफ एक ऑप्शन होता है डिलीट पेज डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, तो यहाँ पे आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। पेज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पेज डिलीशन बिफोर यू डिलीट वी मे एबल टू हेल्प, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रीज़न देखने को मिल जाता है, तो आप कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पेज डिलीशन परमानेंटली डिलीट पेज, ठीक है। देन आप क्या करना है नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कंफर्म डिलीशन, कंफर्म दिस इज योर पेज बिफोर यू परमानेंटली डिलीट योर पेज प्लीज एंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को एंटर कर लेना है क्योंकि पेज का कोई पासवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड को मैं एंटर कर लेता हूँ। फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म डिलीशन डिलीट सॉल्यूशन जवाब पेज एंड इन्फॉर्मेशन। देन आपको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डिलीट दिस पेज द फॉलोइंग पेज विल बी डिलीटेड, यू विल बी स्विच टू शेख जवाद अली, यू कैन रीएक्टिवेट विद इन 30 डेज बाय लॉगिंग इन अस शेख जवाद अली एंड गोइंग टू अकाउंट सेटिंग। तो ये बोला कि अभी आपका फेसबुक पेज को हम डिलीट कर देंगे और आपका फेसबुक पेज डिलीट हो जाएगा और आप फेसबुक अकाउंट पे स्विच हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि अपना फेसबुक पेज को वापस लाना, तो आपको 30 दिनों के अंदर आपके अकाउंट के सेटिंग पे जाके फेसबुक पेज को रीएक्टिवेट कर लेना है। देन आपको क्या करना है फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीट पेज, तो आपको डिलीट पेज पे क्लिक करना है। इसे आप डिलीट पेज पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सो फ्रेंड्स देखते हो हमारा फेसबुक पेज हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा यहाँ से फेसबुक पेज गायब हो चुका है। मैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आप ले सकते हो मेरा फेसबुक पेज नेम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो 2024 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।